गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोशियम के बारे में। इससे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने पूरा डिस्कस किया था, हमने स्टेमन पूरा डिस्कस किया था, यानी फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं, तो उसको कंपेयर करते जाएंगे ताकि आप इजीली इसको लर्न कर सकें। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, पिस्टिल जिसे हम बोलते हैं गायनोशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेगास्पोरिंजियम या ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक। तो अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताती चलती हूँ। पहला है पिस्टिल, पिस्टिल बोलो या कार्पल एक ही चीज है, या हम इसको बोल सकते हैं गायनोशियम, ठीक है, यानी हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद आ जाता है हमारा ये हो गया कार्पल। उसके इसमें हमने, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से कंपैरिजन करें, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने पढ़ा था स्टेमन, जिसके अंदर जिसको एंड्रोशियम भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद आ जाता है हमारा मेगास्पोरिंजियम और ओव्यूल, ओव्यूल और मेगास्पोरिंजियम, मेगास्पोरिंजियम वहां पर हमने पढ़ा था मेल में माइक्रोस्पोरिंजिया थी, चार कॉर्नर्स पे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, चारों कॉर्नर्स पे जो है वो माइक्रोस्पोरिंजिया प्रेजेंट थी, जो बाद में जाके पोलन सैक बनाती है, यानी मेल गैमेटोफाइट। उसके बाद थर्ड है इसका मेगास्पोरोजेनेसिस, वहां पे वर्ड आया था माइक्रो, तो माइक्रो का मीन्स होता है स्मॉल, तो माइक्रो वर्ड मेल से रिलेटेड है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब वहां पर किसकी फॉर्मेशन हो रही थी, मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन की, और मेगास्पोरोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और तो फोर्थ आ जाता है हमारा, फोर्थ हेडिंग आ जाती है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो वहां पर क्या था, पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन किससे बना था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से, तो यहां पर क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस है मेगा वर्ड, मेगा मीन्स बड़ा, तो मेगा वर्ड आता है फीमेल के लिए, तो मेगास्पोरोजेनेसिस, और उससे क्या बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम यहाँ पर क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पिस्टिल और कार्पल से। तो गायनोशियम के अंदर क्या आ जाता है हमारा, इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट को, पहले पिस्टिल और कार्पल। तो पिस्टिल और कार्पल ये, यानी जो गायनोशियम है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर सिंगल कार्पल है, सिंगल कार्पल प्रेजेंट है प्लांट में, तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी, मोनो का मीन्स होता है हमेशा एक, ठीक है, कितने कार्पल, एक कार्पल, अगर एक कार्पल है, सिंगल कार्पल है, तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी, और अगर उससे ज्यादा है, ज्यादा प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी, एक से ज्यादा में। अब एक है तो वो फ्री हो, फ्यूज हो, जैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है तो उसमें दो केस बन जाते हैं, या तो वो कार्पल फ्यूज होंगे या फ्री होंगे, तो दो केस हो जाते हैं, जो कार्पल है यहां तो वो फ्यूज हो, फ्यूज मतलब ऐसे सारे कार्पल आपस में जुड़े हुए हो, पांच हो, छह हो, जितने भी हो, वो सारे कार्पल आपस में इस तरह से फ्यूज हो गए, जुड़ गए, जब सारे कार्पल आपस में ऐसे बंद हो गए यानी जुड़ गए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं, यानी फ्यूज हो गए, तो उसको बोलते हैं सिन कार्पस, सिन का मतलब है फ्यूज, जुड़ना, इकट्ठा हो जाना, तो वो कहलाएगी सिन कार्पस, सिन कार्पस मतलब फ्यूज, कौन हो गए, कार्पल, फ्यूज कार्पल, ठीक है, सिन, सिन को याद रखो, फ्यूज हो गए, जुड़ गए। तो इसका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिंकार्पस का, पेपावर,
पेपावर, जिस पेपावर सोमनीफेरम, पेपावर सोमनीफेरम जो पॉपी प्लांट जिससे कि अफीम गांजा अफीम बनती है, पॉपी प्लांट, ठीक है, तो पेपावर। उसके बाद सेम का मतलब याद रख लीजिए फ्यूज, यानी सारे कार्पल्स फ्यूज हैं। अब दूसरी कंडीशन बनती है कि कार्पल ज्यादा है, मल्टी कार्पलरी है, पर फ्री है, सारे कार्पल अपने आप फ्री हैं। तो एनसीईआरटी में इसका एक डायग्राम दिया हुआ है, एपोकार्पस, ये कंडीशन कहलाएगी एपोकार्पस, यानी फ्री कार्पल क्या है, फ्री, फ्री कार्पल, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो माइकेलिया, 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 ये वो है चंपा, चंपा का अगर आपने देखा हो तो चंपा जो प्लांट है उसके अंदर फ्री कार्पल होते हैं, एपोकार्पस होता है, जो कार्पल्स होते हैं वो फ्री होते हैं। तो ये होगी एपोकार्पस कंडीशन, यानी फ्री, सिंग का मतलब है फ्यूज्ड, तो आप याद रख सकते हैं पेपावर सोमनीफेरम जो है वो इसका फ्यूज्ड का एग्जाम्पल है, और एपो का माइकेलिया, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई जब कार्पल एक से ज्यादा है। अब हम आते हैं कि जो पिस्टल है या कार्पल है उसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से ऊपर एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो, और नीचे वाला पोर्शन इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, इसको मैं हटा देती हूँ जरा यहां से, ये कहलाता है स्टिग्मा। ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए, पोलन ग्रेन्स के लिए, जो पोलन ग्रेन्स है वो यहां पर आते हैं, ठीक है, तो पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ये। उसके बाद इसके नीचे ये होती है स्टाइल, स्टिग्मा के नीचे जहां से होकर, अगर ये सेम स्पीसीज का है तो यहां से पोलन ट्यूब, यहां से होकर इसके अंदर से होकर पोलन ट्यूब जाती है यहां, और नीचे वाला जो बल्ज्ड पोर्शन है, जो फूला हुआ पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं ओवरी। तो ये किसके पार्ट है, पिस्टिल या कार्पल, पिस्टिल और कार्पल के पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब हम बात करते हैं कि ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होगा मेगास्पोरेंजियम, यानी ओव्यूल। अब वो जो ओव्यूल है वो कहां प्रेजेंट होगा, इसके अंदर जो कैविटी होती है, आपने चैंबर्स, उस कैविटी को हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल, इस तरह से हम बोल सकते हैं ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल और चैंबर्स, चैंबर्स, ठीक है। अब आपको अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो अगर आप देखें, अगर हम टमाटर तो सभी लोग देखते हैं, वैसे हमने ये 11th क्लास में पढ़ा हुआ है प्लेसेंटेशन, तो प्लेसेंटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है प्लेसेंटा के, तो यहां पर जो चैंबर्स होते हैं, मान लो अगर हम टोमेटो को देखें और उसको कट करें, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर ऐसे चैंबर्स बने होते हैं, मान लो यहां सीड लगे हैं, तो अगर दो चैंबर बने हुए हैं तो ये हो गया लोक्यूल और ये आ गए सीड यानी ओव्यूल्स, तो ये चैंबर्स आ गए दो चैंबर, जितने चैंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर दो दिख रहे हैं तो दो, और अगर यहीं पर अगर तीन चैंबर दिख जाए, मान लो इसकी जगह दो की जगह तीन चैंबर दिख रहे हैं, चार चैंबर दिख रहे हैं, तो अगर दो है तो बाइकार्पलरी होगी, तीन है तो बाइलोक्युलर हो गया, और तीन है तो ट्राइलोक्युलर हो गया, कार्पल की बात अभी हम यहां नहीं कर रहे, बाइलोक्युलर और ट्राइलोक्युलर, यानी जितने चैंबर्स बन जाएंगे, जितने पार्टीशंस बन जाएंगे वो कहलाते हैं लोक्यूल्स। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया आपको लोक्यूल बताने के लिए, यानी चैंबर जहां पर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर ओव्यूल्स अरेंज होते हैं जिन चैंबर्स के अंदर, वो चैंबर्स का नाम है ओवेरियन कैविटी, लोक्यूल या चैंबर्स, ठीक है। तो उसमें प्लेसेंटा से क्या जुड़ा रहता है, उसमें प्लेसेंटा से जो है ओव्यूल जुड़ा रहता है, तो ये हो गया ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी में यहां पर जो नीचे टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से यहां पर क्या जुड़ा रहता है, ओव्यूल। तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि ओवरी, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, जो चैंबर्स हैं, जैसे चैंबर्स मैंने आपको बताया किसी भी फ्रूट को हम कट करते हैं या
किसी भी चीज को आप कट करते हो तो उसमें आपको चैम्बर्स दिखाई देते हैं जहां पे सीट का अरेंजमेंट होता है। तो जितने भी चैम्बर्स हैं वो उतने लोक्यूल हो गए, दो है तो बाई लोक्यूलर हो गई, तीन है तो ट्राई लोक्यूलर हो गई, पांच है तो पेंटा लोक्यूलर हो गई। तो जितने चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं वो कहलाती है ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल या चैम्बर्स। और उसके अंदर नीचे प्रेजेंट होता है टिश्यू जिसके साथ ओव्यूल अटैच होता है, वो टिश्यू कहलाता है प्लेसेंटा। तो यहाँ प्लेसेंटा से क्या आ गया, ओव्यूल। और ये ओवरी किस पर अरेंज होती है, रिसेप्टिकल पर अरेंज होती है। ये मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था, ये थैलेमस या रिसेप्टिकल इस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो ये हमने पहला पार्ट डिस्कस किया पिस्टल और कार्पल के बारे में, कि अगर सिंगल कार्पल है तो कहलाएगी मोनोकार्पलरी, अगर एक से ज्यादा है तो मल्टी कार्पलरी है तो वो सारे कार्पल आपस में जुड़े भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। अगर जुड़े हैं तो कहलाएगी सिन कार्पस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेपावर सोमनीफेरम, और अगर फ्यूज है फ्री है तो कहलाएगी एपोकार्पस, और इसका एग्जाम्पल है माइचेलिया जंपा। ठीक है, अब हमने डिस्कस किया इसके पार्ट्स पिस्टल और कार्पल के, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल, जिसमें नीचे प्रेजेंट है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ओव्यूल अटैच रहता है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट यानी मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल।